नमस्ते, उपस्थित एक नया वीडियो लेकर आज हम आप लोगों को से अपने अकाउंट को फर्जीवाड़े से बचाने के लिए एक ऐसे तरीके के बारे में बात करेंगे जिस तरीके को आप अपना करके चाहे कुछ भी कर ले कोई भी फर्जी नहीं कर सकता आपके अकाउंट से। फर्जीवाड़े की बात करें तो नए तरीके लोग एक फ्रॉडर अपनाते जा रहे हैं, जैसे कि ATM क्लोनिंग हुआ, आपके फ़ोनपे या गूगल पे पर एक्सेस पा करके आपके फोन में OTP भेज करके या आपका जो ATM कार्ड होता है आप जहां पैसे निकालना चाहते हैं उस ATM कार्ड को बदल करके या ATM की जितनी भी जानकारियां होती है उस जानकारियां को प्राप्त करके कई तरीके अपनाते जा रहे हैं जिस तरीकों के बारे में आपको पता भी नहीं है उस तरीके से आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं। अब पैसे निकालने की बात यहां तक करें कि आपका जो सिम कार्ड है, जो आप सिम कार्ड अपने मोबाइल फ़ोन में यूज करते हैं, जो सबसे बहुत बड़ा ही मैंडेटरी होता है अकाउंट से हर जानकारियों को बताने के लिए, उस सिम कार्ड को ही क्लोन कर लिया जा रहा है। मतलब कि उस सिम कार्ड को ही अब फ्रॉडर अपने पास सारा जानकारियां उस नया सिम कार्ड निकाल लिया जा रहा है। पता नहीं अब कैसे लोग अपने अकाउंट को यूज करेंगे सेफ तरीके से। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने अकाउंट को सेफ तरीके से यूज करना चाहते हैं तो सबसे मेन और सबसे एक अचूक उपाय है कि आप अपने अकाउंट में मोबाइल नंबर जुड़वाएं ही ना। अगर आप मोबाइल नंबर ना जुड़वाते हैं तो आपके अकाउंट से कोई भी जानकारी बाहर जाने का खतरा रहता ही नहीं, क्योंकि अगर आप मोबाइल नंबर नहीं जुड़वाएंगे तो आपका ATM नहीं चालू होगा, क्योंकि ATM चालू करने के लिए अब तो ऑफलाइन पिन आता नहीं, अब आप ऑनलाइन पिन ही बनता है। यानी कि ऑनलाइन अगर सुविधा अगर बहुत ही अच्छा है तो बहुत ही हानिकारक भी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ATM को सेफ रखने के लिए तो आप अपने अकाउंट को सेफ रखने के लिए तो आप अपने अकाउंट में किसी भी प्रकार का आप मोबाइल नंबर को न जुड़वाएं और आप अपने अकाउंट से सिर्फ ऑफलाइन कारोबार करें। जो भी करना है आप ऑफलाइन ही करें तो आपका अकाउंट बिल्कुल सेफ रहेगा, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन जो ही करते हैं, जो ही आप मोबाइल ऐड करवाते हैं, तो समझ जाइए कि आपका ऑनलाइन हो गया और सारा कुछ वायरल या कहीं बाहर जाने का खतरा बढ़ जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने अकाउंट को आप सेफ रखने के लिए तो आप अपने अकाउंट में मोबाइल नंबर ना जुड़वाएं, आप अपना ATM ना चालू करवाएं, बस जो भी काम करवाना हो आप ऑफलाइन ही बैंक से करें, तो आपका अकाउंट लगभग में 99% आपका सुरक्षित रहता है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। यही तक कुछ अपने अकाउंट को रामबाण फर्जीवाड़े से बचाने के लिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।